लेकिन देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं, ये तो भाई सर्विस लाइन ही बनाया जाएगा। नीचे की तरफ ऐसे कुछ दिया गया है, वो अंडर पास है या क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। इतने इतनी नीचे की तरफ खुदाई किए जाते हैं उसके बाद में इसका निर्माण कार्य किया जाता है भाई। देखो कुछ इस तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, ये इधर की तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा बीम रखा गया है ना। ये की तरफ जो बनाया गया था, ये देख सकते हैं ये वाला, ये आरसीसी वाला पहले रोड बनाया गया था, उसके ऊपर से जो है एक लेयर चढ़ा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दर्शन नगर बाईपास के पास जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, 4 नंबर बूथ के पास, उसका मैं आपको निर्माण कार्य दिखाने वाला हूं। और ऐसे इसी क्रम में आपको मैं सीधे लेकर चलूंगा जो जहां पे अयोध्या का नया वाला बस स्टेशन बनाया गया है वहाँ पर जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो वाला भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करके दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इस जगह पर जो है ये मेन नेशनल हाईवे है 27, ये वाला डायरेक्टली इधर जाएगा, ये डायरेक्टली लखनऊ की तरफ। और इधर अगर आप जाएंगे इस वाले रूट से तो ये जाएगा गोरखपुर की तरफ, और इस वाले रूट से अगर आप दर्शन नगर जाते थे तो ये वाला रूट डायरेक्टली आपको लेकर जाता था सूर्यकुंड मंदिर दर्शन नगर की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है निर्माण कार्य जो हो रहा है, ये जो नेशनल हाईवे था इसको तोड़ के यहाँ पर जो है ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अभी कारण ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो नीचे से अंडरपास था उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ का जो चौड़ीकरण हुआ था, बगल बगल में आपको सर्विस लाइन दिख जाएगा, तो सर्विस लाइन का जो निर्माण कार्य हुआ वो नीचे का अंडरपास बंद कर दिया गया और ऊपर जो है फ्लाईओवर बना दिया जाएगा। इसके नीचे से अंडरपास होते हुए जो नीचे की तरफ वाले जो है इधर दर्शन नगर की तरफ जा सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तोड़ फोड़ बिल्कुल हुआ है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं दिखाते हैं, यहाँ पर आगे की तरफ भी वहाँ भी तोड़ फोड़ हुआ है, और ये रखा हुआ है यहाँ पे जो है सरिया वगैरह बना के रखा गया है, रखे हुए। ये कहाँ लगेगा ये तो अभी नहीं पता, ये पूरा जो टूट जाएगा उसके बाद में ही पता लगेगा ये लगाया कहाँ जाएगा, है ना। और देख सकते हैं आप यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं जिनसे कि यहाँ पे जो है खुदाई वगैरह होती है, निर्माण कार्य किए जाते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों पहले जो है नीचे की तरफ जो बनाया गया था, ये देख सकते हैं ये वाला, ये आरसीसी वाला पहले रोड बनाया गया था, उसके ऊपर से जो है एक लेयर चढ़ा दिया गया था, ये डामर वाला देखिए, तो डामर तो हट गया, आरसीसी अब तोड़ा जा रहा है, और ये देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से। और तो चलिए आगे से हम अपने बाइक से लेकर चलते हैं आगे की तरफ, जो वाले बस स्टेशन के पास जो निर्माण कार्य हो रहा है मैं उसे भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दर्शन नगर इधर वाला रास्ता, चलिए चलते हैं। ये वाला रास्ता देख सकते हैं, यही वाला जो है अंदर की तरफ जाएगा, जो कि पचकोसी परिक्रमा मार्ग होते हुए डायरेक्टली आपको अयोध्या धाम अंदर निकाल देगा। भाई बहुत खतरनाक वाला रूट है ये। अभी देखिए दोस्तों इस सामने की तरफ आप देख सकते हैं द रामायणा होटल आपको दिखाई देगा, और ये वाला मेन हाईवे जहाँ का मैं अभी आपको अपडेट दे रहा था, इसके जस्ट बगल में जो है ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हो रहा है। अभी मैं इसी रास्ते से आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ जो 4 नंबर बूथ के पास जो निर्माण जो नए वाले बस स्टेशन के पास निर्माण कार्य हो रहा है उसकी मैं आपको फुल डिटेलिंग जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो में। ये देखो भाई ये वाला देखो, बहुत सुंदर स्टैचू बनाया गया यार। और नीचे देखिए यहाँ पे जो है उधर की तरफ डेप्थ भी बनाया गया है, और ये सर्विस लाइन भी बनाया जा रहा है ना, क्योंकि आगे से यहीं से इसका जो है निर्माण कार्य। धर्मपुरवा वाला जो बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे, ये देखिए ये है धर्मपुरवा, देखिए ये वाला बोर्ड यहीं से इसका जो है निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाता है ओवर ब्रिज का। देखिए ये फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है आर ओ भी जो तैयार हो रही यहीं से ही हो रहा है भाई। चलिए आपको यहीं से लेकर चलता हूँ आगे की तरफ। गाड़ी वगैरह तो जाती जाती रहती हैं। ये देखो भाई जो निर्माण कार्य हो रहा है कुछ किसी तरीके से, यहाँ से निर्माण कार्य आपको दिखाई देगा, देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा निर्माण कार्य डायरेक्टली आगे की तरफ जो बस स्टेशन बनाया गया है वहाँ तक हो रहा है निर्माण कार्य, आप देख सकते हैं। ये देखिए देखिए
ठीक है। चलिए नीचे की तरफ से लेकर चलता हूँ, क्योंकि इधर से रूट तो बंद है एकदम, और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये पूरा बिम वगैरह रखा गया है, जो कि ये देखो भाई, ये इधर की तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा बिम रखा गया है ना। ये देखो भाई, ये पूरा दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, ये पूरा फ्लाईओवर का ही निर्माण कार्य। यहाँ पे देखिए बस स्टेशन यहाँ पे लिखा गया है, आगे की तरफ बस स्टेशन भी है, और इसी रूट से जो है आपको बस स्टेशन की तरफ अगर आपको जाना है तो आप जो है इधर से ही जा सकते हैं। देखिए चलिए थोड़ा सा अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा निर्माण कार्य, आगे तरफ बस स्टेशन। चलिए यहीं पे खड़ा कर देता हूँ गाड़ी को, दिखाता हूँ आपको। देखिए आगे की तरफ आपको दिखाइए, ये देखो ये बस स्टेशन, आगे तरफ निर्माण कार्य वहाँ भी चल रहा है ना। ये देखो भाई निर्माण कार्य आप देखिए, ये शायद अंडर पास बनाने के लिए यहाँ भी नहीं, ये जो है सर्विस लाइन बनाया जा रहा है देखिए। और इधर आप देखिए निर्माण कार्य, ये वाला आपको जो है पिलर दिखाई दे रहा होगा, ये पिलर के ऊपर ही जो है इन सभी जो आगे जो मैंने दिखाया है, जो आगे बिम ढला हुआ है उधर से ही जो है उसी जो बिम है ऊपर की तरफ, ये पिलर के ऊपर पूरा रखा जाएगा ऐसे ऐसे। तब यहाँ पे जो निर्माण, पहले इधर का निर्माण कार्य हो जाएगा, उसके बाद में जो है उधर का निर्माण कार्य होगा। सर्विस लाइन बनाया जा रहा है इसीलिए, क्योंकि निर्माण कार्य जब होगा तो सर्विस लाइन का जो है ज़रूरत पड़ जाएगा। तो चलिए थोड़ा इधर आगे दिखा देता हूँ आपको, खुदाई वगैरह हो रही है यहाँ पे। ये देखिए पिलर वगैरह यहाँ पे बन चुके हैं फिलहाल, बहुत ही मोटे मोटे पिलर भाई बनाए जाते हैं इसमें। और ये वाला देखो, जो फाउंटेन मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला फाउंटेन बनाया गया है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे चल वल नहीं रहा है, लेकिन ये देखो भाई, इतने इतनी नीचे की तरफ खुदाई किए जाते हैं, उसके बाद में इसका निर्माण कार्य किया जाता है। भाई देखो कुछ इस तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं यहाँ पे। और ये वाला फाउंटेन आप देखो, जो लगाया गया है कि इसके उसमें जो है पानी वगैरह चलेगा, कुछ नहीं चल रहा है इसमें। देखें एकदम जंगल बन गया है भाई, इसमें बहुत कुछ जानवर भी हो सकते हैं। आगे की तरफ ये वाला है बस स्टेशन, जो कि आगे गया हुआ है। चलिए वहाँ पे दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक बोर्ड भी लगाया गया है, नया बस डिपो है ना, ये नया वाला बस डिपो का जो है बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए ये वाला छोटा वाला, ऊपर तो बड़ा वाला लगा ही है। अभी ऐसे ऐसे फ्रेम वगैरह लगा के इसके ऊपर जो है ये वाला डाला जाएगा ऊपर की तरफ, उसके बाद में जो है बिम ऊपर रखा हुआ वहाँ पे वो भी लगाया जाएगा। देखिए एक ये वाला जो है पिलर है, आगे जो है क्रेन वगैरह खड़े हैं। एक अभी देखिए दोस्तों, ये वाला पेट्रोल पंप है और यहाँ पे अंडर पास बनाया जा रहा है शायद, ये तो फिलहाल ये सर्विस लाइन बनाया जाएगा यहाँ से पूरा, और उसके बाद में वहाँ पे शायद अंडर पास बनाया जा रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं, ये तो भाई सर्विस लाइन ही बनाया जाएगा। और आगे की तरफ से मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, जो नीचे की तरफ ऐसे कुछ दिया गया है वो अंडर पास है या क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, और ये नए ईंटें लगाए गए हैं बिल्कुल नए वाले। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला बिल्कुल ढलैया दिया गया है, और ये वाला देखिए शायद ऐसा ही बनाया गया है कि नीचे से लोग ऊपर आ सकें। अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम चलाऊ बना दिया गया है, ऐसा अंडर पास यहाँ पे बनेगा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको बस अड्डा कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी बस स्टेशन कहाँ पे, ये भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देखिए एक पेट्रोल पम्प भी वाली बस देखिए अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। इधर वाले तो आ जाएंगे, लेकिन उधर वालों के लिए बड़ा दिक्कत होता था यहाँ पे आने के लिए अंदर बस स्टेशन पे, क्योंकि बस स्टेशन तो ये वाला है, तो अंदर की तरफ आने वालों को बड़ा दिक्कत होता था, तो उधर से कहाँ आ पाएंगे, या फिर जाए वहाँ अयोध्या धाम वाले जो है पुल के नीचे से जो है ऐसे घूम के आएंगे ये लोग, ठीक है। तो इतना लंबा कहाँ
कोई कर पाएगा, इसीलिए आता ही नहीं था यहाँ पे बस। अब ये वाला जब बन जाएगा फ्लाईओवर तो इधर जो है अंदर आना आसान हो जाएगा। देखिए अभी चलिए गाड़ी से थोड़ा सा आगे के तरफ लेकर चलूँगा, वहाँ से आपको बाइक दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ भी होटल वगैरह देखने को मिल जाएगा, अभिनंदन होटल एंड रेस्टोरेंट दोनों। देखिए ये देख सकते हैं, चलिए बाइक हमने वहाँ पे पार्क कर रखी है, वहीं से चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है नीचे की तरफ जो है, खुदाई उदाई करने के बाद में यहाँ पे जो है उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। वही वाह, अभी दोस्तों इधर से जो है सर्विस लाइन ये तो बन गई है, और उसके बाद में आगे की तरफ सर्विस लाइन थोड़ी सी जो है, ये देखिए भाई यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाऊँ जो फ्रेम वगैरह तैयार होते हैं, जो पिलरों को ढालने के लिए फ्रेम वगैरह तैयार होते हैं, ये अंदर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, अंदर की तरफ बहुत सारे सरिया वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे निर्माण काल चल रहा है आगे की तरफ, ये देख सकते हैं आप जो है निर्माण कार्य कर रहे हैं, फ्रेम वगैरह यहीं। देखिए देखिए यहाँ पे डेप्थ का निर्माण कार्य हुआ है, देखिए ये सर्विस लाइन के बगल में डेप्थ का निर्माण कार्य किया गया है ये वाला, देखिए। और इधर भी हुआ है, इधर अभी नहीं हुआ, सॉरी ये वाला अभी नहीं हुआ है, लेकिन इधर की तरफ जो है डेप्थ का निर्माण कर दिया गया है, और आगे तरफ ये फ्रेम वगैरह रखे गए हैं पिलर को ढालने के लिए। जो छोटे पिलर जो दो पिलर होंगे इधर उधर, वो वाले रखे हुए हैं फिलहाल, एक एक पिलर वहाँ पे जो है सिंगल सिंगल जो मोटे वाले पिलर होते हैं वो तो लगा दिए गए हैं, अभी इधर की तरफ अंदर पिलर लगाए जाएंगे। चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नीचे जो खुदाई हुई है भाई, यहाँ से देखिए आप, ये खुदाई यहाँ पे हो चुकी है, देखिए ये वाला है ना। और यहाँ पे ऐसे जो है ये भी ये एकदम टिकानी के लिए लगाया जाता है कि मिट्टी भग के इधर ना आए। देखिए और आगे तरफ मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, देखो भाई इन क्रेनों की सहायता से जो खुदाई वगैरह हो रही है, देखिए ये वाला जेसीबी और ये वाला, ये भी जेसीबी है, बड़ी वाली जेसीबी है, ऐसा कुछ खुदाई वगैरह यहाँ पे देखिए। ये जो मैंने आपको बताया जो टिकाने के लिए लगाया जाता है, मिट्टी उट्टी इधर भागने ना पाए, कुछ इस तरीके से यहाँ से निर्माण कार्य किया जा रहा है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।